अस्सलाम वालेकुम, वेलकम टू कुकिंग विद डीडी सिस्टर। तो आज मैं लाई हूँ आपके लिए एक और ज़बरदस्ती रेसिपी जिसका नाम है चिकन डैनिश। तो चिकन डैनिश बनाने के लिए हमें चाहिए मैदा, ये इंग्रेडिएंट्स हैं, ये तो मैं बोलना भूल ही गई। तो मैदा चाहिए हमें, दूध चाहिए, ऑयल, चीनी, ईस्ट, नमक, अंडा। तो चलिए मैं डो बनाती हूँ। चिकन डैनिश बनाने के लिए मैंने यहाँ 2 कप मैदा लिया है, 1/2 टीस्पून में इसमें नमक डालूंगी, 1 टीस्पून में इसमें चीनी ऐड करूंगी, 1/2 टेबल स्पून में इसमें ईस्ट डालूंगी, 1 अदद अंडा डालूंगी, 3 टेबल स्पून ऑयल डालूंगी, आप बटर भी ले सकते हैं, मेल्टेड बटर। अब इसमें 1/2 कप में गरम दूध डालूंगी, गरम से मतलब नीम गरम, ज़्यादा गरम नहीं, ना तो ये पक जाएगा, यूँ ही खोलता हुआ नहीं डालना, नीम गरम दूध डालना है इसमें, आधा कप। अब इसे अच्छे से मैं मिक्स करूँगी, इसे मैं अच्छे से गूंथ लूँगी। और ये मैंने 1/2 कप दूध डाला है, इसमें मैंने पानी नहीं डाला। अगर आपको पानी की ज़रूरत लगे तो आप पानी ऐड कर सकते, मुझे नहीं लगी पानी की ज़रूरत, तो इसलिए मैंने सिर्फ दूध में ही इसको गूंथ लिया है। ये गुन गया, मैं इसे अच्छे से नीट करूँगी इस तरह से। ये डो रेडी हो चुकी है, मैंने इसको कवर कर दिया है प्लास्टिक से, आप इसे कपड़े से भी ढक सकते हैं और ढक्कन से भी ढक सकते हैं। अब मैं इसे गर्म जगह पे रखूँगी 45 मिनट्स के लिए। चिकन डैनिश बनाने के लिए मैंने यहाँ पे चिकन लिए, चिकन को मैंने बॉयल कर लिया था, थोड़ा सा नमक और काली मिर्च डाल के और इसे श्रेडेड कर दिया इस तरह से। चिकन चेडर चीज़ लिए, मोज़रेला चीज़, क्रीम चीज़, सफ़ेद मिर्चें पिसी हुई, क्रीम, काली मिर्च पिसी हुई, नमक, मेयोनीज़, कुटी लाल मिर्चें, ऑयल, लहसुन पाउडर, बेसिल लीव्स, पार्सले। चलिए मैं बनाना स्टार्ट करती हूँ। यहाँ मैंने पैन लिया है और चूल्हा जला दिया है, इसमें मैं 1 टेबल स्पून ऑयल डालूँगी। ऑयल गर्म हो चुका है, मैं इसमें चिकन डालूँगी, चिकन को थोड़ा सा भूनूँगी। ये हो चुका है, मैं इसमें सफ़ेद मिर्ची डालूंगी पिसी हुई 1/2 टीस्पून, 1/2 टीस्पून पिसी काली मिर्चें, 1/2 टीस्पून कुटी लाल मिर्चें, 1/2 टीस्पून मैं इसमें नमक डालूंगी। अब इसमें मैं क्रीम ऐड करूंगी 2 टेबल स्पून, लहसुन पाउडर डालूंगी मैं इसके अंदर 1/2 टीस्पून, थोड़े से बेसिल लीव्स डालूंगी इसके अंदर, थोड़ा सा पार्सले डालूंगी। अब इसे अच्छे से मिक्स करूंगी, ये अच्छे से मिक्स हो गया, मैंने इस पर क्रीम 1 टेबल स्पून और ऐड कर दिया, ये हो गई है। अब मैं इसे निकाल लूंगी, ये देखिए ये हो चुका है, ये डो रेडी हो गई है। अब मैं इसे निकालूंगी, ये देखिए कितने अच्छे से हो गई है। यहाँ मैंने थोड़ा सा मैदा डाला है, अब मैं ये जो डो है इसको इसके ऊपर रखूँगी, अच्छे से मैदा लगाऊँगी। अच्छे से मैदा लगा दिया है, अब मैं इसे बेलूँगी तरह से, ऐसे बेलती जाऊँगी मैं इसको, अच्छे से बेलूँगी मैं, बहुत ज़्यादा पतला नहीं बेलूँगी ना बहुत ज़्यादा मोटा। ये अच्छे से बेल लिया है मैंने, अब मैं इसे चिकन डालूँगी तरह से और इसे पूरे पे लगाऊंगी। ये देखिए अच्छे से चिकन लगा दिए मैंने इसके ऊपर। अब मैं इसमें चेडर चीज़ डालूंगी इस तरह से, चेडर चीज़ मैंने डाल दिया। अब मैं इसमें मोज़रेला चीज़ डालूंगी, ये मैंने चीज़ डाल दी है और दोनों चीज़ मैंने 1/2 कप ली थी। अब मैं इसे फोल्ड करूंगी इस तरह से, ये इसको अच्छी तरह से मैं फोल्ड करके यहाँ से यूँ चिपका दूँगी ताकि ये खुले नहीं। ये हो गया, अब मैं इसे थोड़ा सा इस तरह से करूँगी ताकि ये अच्छे से चिपक जाए। ये मैंने साइड से बंद कर दिया इस तरह से इसको, ये मैंने साइड से कर दिया था, अब मैं इसे इस तरह से कट करूँगी। ये कट हो गया मगर थोड़ा मुश्किल हुआ क्योंकि छुरी तेज़ नहीं थी, मैंने अब थोड़ी तेज़ छुरी ली है। अब मैं इसको इस तरह से काटूंगी यहाँ से,
तरह से मैं पीसेस काट लूँगी इसके। ये मैंने कट कर लिए हैं, अब मैं इसमें से एक पीस उठाऊँगी, इसको इस तरह से, ये देखिए ये इस तरह से हो जाएगा। अब इसको मैं थोड़ा सा ऐसे दबा दूँगी, इस तरह से इसे मैंने दबा दिया। अब मैं बाकी को भी ऐसे ही कर लूँगी। यह मैंने पैन लिया, ये इसके ऊपर मैंने बटर पेपर लगाया, पहले मैंने नीचे ऑयल लगा लिया था, फिर इसके ऊपर ऑयल लगाया है, आप बटर भी लगा सकते हैं। और फिर मैंने ये चिकन डैनिश जो रेडी किया था इसको रख दिया इसके ऊपर। अब मैं इस पर ऑयल लगाऊँगी थोड़ा हल्का हल्का सा, इन सब पे मैंने ऑयल लगा दिया ऊपर। अब मैं इसे बेक करती हूँ। यहाँ मैंने पतीली लिया और 15 मिनट पहले मैंने इसे गर्म करने के लिए रख दिया था। ये गर्म हो चुकी है, अब मैं इसमें वो रखूँगी चिकन डैनिश। अब मैं इसमें चिकन डैनिश रखूँगी, ये मैंने रख दिया है। अब मैं इसे ढककर पकाऊँगी हल्की आँच पे 45 मिनट्स के लिए। चिकन डैनिश मैंने बेक करने के लिए रख दिया है। अब वो चिकन डैनिश जब तक तैयार हो रहा है, बेक हो रहा है, तब तक मैं उसके ऊपर लगाने का सॉस बताती हूँ आपको। तो बनाने के लिए मैंने यहाँ चैटर चीज़ ली है, 2 टेबल स्पून है तकरीबन, 2 टेबल स्पून ही मैंने मोज़रेला चीज़ ली है। अब मैं इसमें 2 टेबल स्पून के करीब मेयोनीज़ डालूँगी। अब मैं इसमें क्रीम चीज़ डालूँगी 2 टेबल स्पून। अगर आपके पास क्रीम चीज़ नहीं है तो आप नहीं डालें, आप मेयोनीज़ और चीज़ को भी मिक्स कर सकते हैं। मैं इसमें ही डालूँगी। अब मैं इसे अच्छे से मिक्स कर लूँगी। ये अच्छे से मिक्स हो चुका है, 45 मिनट्स से पहले मैंने खोला है, 40 मिनट्स से। ये देखिए अच्छे से हो चुके हैं। और ये जो अब मैंने इसका जो सॉस तैयार किया इसके ऊपर रखूँगी। बहना ज़रा हेल्प करना इसको लगाना। अच्छा जी, इसको ऐसे इस तरह से लगाएंगे, सब पे मैं ऐसे ही लगा दूँगी। ये हो गया। अब मैं इसे ढक के 5 मिनट के लिए रखूँगी ताकि जो चीज़ वगैरह मेल्ट हो जाए अच्छे से। 5 मिनट हो चुके हैं, ये देखिए कितने अच्छे से तैयार हो गए। अब मैं इसे डिश आउट कर लूँगी। टाड़ा, मज़ेदार सा चिकन डैनिश तैयार है। ये बहुत मज़ेदार बनता है, मैं आपको तोड़ के दिखाती हूँ। ये देखिए ना ज़बरदस्त सा बन के तैयार हुआ है, ये बहुत मज़ेदार सा बनता है, आप ज़रूर ट्राई कीजिएगा। अगर आपको मेरी रेसिपी पसंद आई हो तो लाइक करें, सब्सक्राइब करें, शेयर करें एंड प्रेस द बेल आइकन। अल्लाह हाफिज़।